तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कंपार्टमेंट रिजल्ट डिक्लेयर होगा क्लास 5, 8, 9 एंड 11 का, उसे आप कैसे चेक करोगे, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि आपका रिजल्ट बच्चों आने वाला है 10 मई 2024 डेट को, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है रिजल्ट ऑफ कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन री एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 10 मई 2024। तो 10 मई को आपका रिजल्ट आएगा ऑनलाइन। यहाँ पर प्रोसेस लिखा स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 5, 8, 9 एंड 11 में एक्सेस दियर रिजल्ट थ्रू द फॉलोइंग लिंक edudel.nic.in पर सबसे पहले उनको जाना है। वहाँ पर DOE का होम पेज आएगा, वहाँ पर कंपार्टमेंट रिजल्ट 2024 से होगा, उसके बाद वहाँ पर डिटेल फिल करके सबमिट करना है। तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे आप चेक करोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल ओपन करके वहाँ पर DOE टाइप करना है और सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ऊपर स्लाइड कर देना, फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पर edudel। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने DOE का मेन पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जैसे आप क्लिक करोगे एग्ज़ाम री एग्ज़ाम रिजल्ट 2023-24 पर, ठीक है, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अभी शो हो रहा है बच्चों एनुअल रिजल्ट एकेडमिक सेशन 2023-24, लेकिन यहाँ पर री एग्ज़ाम कंपार्टमेंट रिजल्ट शो होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी फिल करना होगा। ठीक है, इस प्रकार क्लिक करके आप स्टूडेंट आईडी फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद में क्लास के सामने सेलेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन के सामने सेलेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर सेक्शन शो होगा ABCD, जो भी आपका सेक्शन है उसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर DOB यानी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फॉर्मेट समझ लो कैसे फिल करोगे, एग्जांपल मान लो 21/4/2001। ठीक है, इस फॉर्मेट में। उसके बाद में ये विजुअल कोड शो हो रहा है बच्चों, इसे आपको यहाँ पर टाइप द कोड्स ऑन पर फिल कर देना है, सेम ऐसे ही। उसके बाद में सबमिट का ऑप्शन लेना है, आपके स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही आपको फिल करके अपना रिजल्ट चेक करना होगा 10 मई 2024 डेट को। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इस पेज तक नहीं पहुंच रहे हो तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करोगे डायरेक्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्ट ये पेज ओपन करके आप सारी डिटेल फिल करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो क्लास 5, 8, 9 एंड 11 के स्टूडेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।